हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रुकैया शेख है, स्कूल में टीचर है और 3 से 4 बिजनेस को 5 साल मतलब पहले 2008 में हमने ज्वाइन किया था। 2010 से तकलीफ है, कमर का दर्द, स्पॉन्डाइलाइटिस, शुगर, ये ब्लड प्रेशर और थायराइड जैसा तकलीफ में इतने शिद्दत से जुड़ गए थे अंदर कि बाहर निकलने को वो ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस अपनी जिंदगी से हम तंग आ चुके थे और इतने परेशान हद से ज्यादा थे कि ऐसा न चल पाते थे। 80 साल का बुढ़ा उससे बदतर हम रास्ते में चलते थे और अपने आप से थकावट, पसीना, इतना थक जाते थे कि अपने आप से बात करने भी चिड़ाती थी। घर में जाओ तो बच्चों से चिड़चिड़ा, इतनी तकलीफ की जिसकी हद ही नहीं थी। कमर से उठ बैठ नहीं सकते थे, वॉशरूम नहीं जा सकते थे, जमीन से नीचे बैठे तो उठ नहीं सकते थे, नमाज नहीं पढ़ सकते थे, कुर्सी पे बैठ के सिर्फ ऐसा नमाज पढ़ते थे। लेकिन जब से सेलेक्शन ने फिर बहुत जिद किया, 2000 अभी एक दो महीना हो गया इसको, 95 दो महीने पहले सेलेक्शन ने इतना जिद किया। मैंने एक बार अपील हो हॉस्पिटल में एडमिट है, 30-30, 40-40 हजार हमारा सिर्फ हॉस्पिटल में एडमिट का खर्चा होता था। इवन हमारे पास दवाइयां खा के हफ्ते की 1000-1500 की दवाइयां होती थी, इतना तकलीफ में परेशान, दवा खा के भी चिड़ आ गई थी। फिर सर ने ज्यादा जिद करे कि मैडम एक बार आप फील हो इसको, फिर चिड़के मैडम ने बोले ला उतना सत्यानंद हुआ पैसा और बर्बाद सही पैसा और 2600 रुपए का वो ले लिया हमने और उसको पीने के ठीक 15 दिन के बाद इतना फायदा, इतना रिलैक्शन हुआ हमारे को कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। नमाज जमीन पे खड़े रह के, जमीन पर सिजदा करके हम नमाज पढ़ रहे हैं, इवन आराम से चल रहे, सीढ़ियां भाग भाग के चढ़ रहे हैं, वरना सीढ़ी चढ़ने के लिए भी तकलीफ होती थी हमको। ऑफिस में जाते थे तो सीढ़ी चढ़ नहीं पाते थे, स्कूल की सीढ़ियां चढ़ नहीं पाते थे, इतनी तकलीफ थी कि अल्लाह अल्लाह तंग हो गए थे उससे। और 95 पीने के बाद में इतनी फुर्ती हो गई बदन में, इतना रास्ते में चलने में तेजी, बदन में फुर्ती, इतना यंगनेस लगने लगा बदन के अंदर, ऐसा लग रहा है कि हम बस हवा में उड़ रहे हैं, जमीन पर तेज से फास्ट सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। और ये कोई ऐसा मजाक या किसी ने सिखाया कि नहीं भेजा है कि मैं मैडम आप जाके माइक के पर ये झूठ बोलो, जो हकीकत है। दूसरा डब्बा हमारा खत्म होने पर सिर्फ 4 ट्यूब बचे पीने के लिए और इतनी हमारी सारी तकलीफ दूर हो गई। और सबसे बड़ी बात है कि नमाज जमीन पर सर रख के सजदा करे, 3 साल से नमाज पढ़ने के लिए तरस गए थे और 3 साल के बाद जमीन पर सजदा करके हम नमाज पढ़ रहे, इससे ज्यादा हमारे लिए और कुछ भी बात नहीं है। इससे जरूर आप लोगों को भी आराम होगा इंशाल्लाह। और जो तकलीफ में है ऐसे बहुत से लोग यकीन नहीं करते अपनी बातों पर, लेकिन उनको यकीन दिलाना पड़ता है, तो हमें ये गुजारिश है कि आप लोग उनको यकीन दिलाओ और आप लोग भी ठीक है, आराम अपने तबीयत को आराम कर लो। थैंक यू।